अभी मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सूत्र सिखाना है, कुरु मंत्र में, लेकिन फिलहाल इतना अच्छा गुजारना, इसलिए धनु मकर कुंभ और मीन राशि के लोग अपने राशिफल का इंतजार कर रहे हैं, वो बता देता हूँ। धनु राशि, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, भय का वातावरण रहेगा, एक सावधानी रखिए, महत्वपूर्ण कार्य को टाल दीजिए और वाहनों से सावधान रहे। उपाय क्या करना है, चीनी का दान कीजिए, और किसे करना है, किसी गरीब महिला को कर दीजिए। मकर राशि, जोश के साथ कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, बस आप लगे रहें, मेहनत करें। इस दिन सावधानी, इस दिन शत्रु भी बहुत मुखर हैं, इसलिए अलर्ट रहें, जोश में होश मत खोइएगा, नहीं तो शत्रु तुरंत पकड़ लेगा, परेशान करेगा। उपाय क्या करेंगे, शांति से बैठिए, अनुलोम विलोम कीजिए 5 मिनट, फिर काम पर निकलिए, मन आपका सम अवस्था में रहेगा, जोश भी रहेगा लेकिन होश भी रहेगा। कुंभ राशि, गर्दन और गले का बहुत ध्यान रखने की इस दिन जरूरत है, और धन का अभाव हो सकता है आपको, इसलिए केयरफुल रहें, एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन मौन रहें तो अच्छा है, और धन के निवेश करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है, जरूरतमंद को चावलों का दान कीजिएगा। मीन राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, इसलिए आगे बढ़िए, काम कीजिए, विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग बने हुए, एक सावधानी जरूरी है, सेवकों पर, अनुचरों पर, आपके सबॉर्डिनेट्स पर इस दिन ताने मत मारिए, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो जाएगी। उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक कीजिए, अभी अभी गुरुजी को मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए, और उसके बाद काम पर निकल पड़िए, सब अच्छा होगा। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, हमें उन्हें बधाई देनी है, चलिए कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, आपके 12 महीने का हाल, खासतौर से उपाय। देखिए 12 महीने आपके बहुत अच्छे हैं, बस मई अगस्त और नवंबर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखें। प्रॉब्लम होगी इमोशनल, यानी जिन लोगों से आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, या उन्हें प्रॉब्लम होगी, या आपके इमोशनल रिलेशंस में प्रॉब्लम होगी। हाँ, उपाय करिए, फिर शायद प्रभु सब ठीक कर दें। काम रुके हुए जो थे 2013-14 के, वह आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलेगी, आपका संघर्ष कम होगा। अच्छा, कुछ परेशानियां तो हैं, तो लिहाजा आपको ये उपाय करने होंगे। पूरे साल मंगलवार को मजदूरों को और उनके बच्चों को भोजन कराइए, जो चाहे भोजन कराएं। मैं भीख देने के विरुद्ध हूँ, बस भोजन कराइए, मेहनत कश व्यक्ति की मदद कीजिए। शहद का दान किया करें मंगलवार को, मिर्च और बाकी मसालों का दान भी मंगलवार को कर दिया करें, किसी मंगलवार को किसी, या हर मंगलवार सब कुछ कर दें, जैसे आपको प्रभु ने कैफियत दी है वैसा कर दीजिए, अच्छा होगा। चलिए बातचीत करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। गुड लक गुरु @itvnewsindia.com। कुछ पूछना हो या ईश्वर ना करे कहीं कोई दुख हो, तो इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिएगा। प्रभु से प्रार्थना है सब ठीक होगा, बस समस्या बहुत छोटे में लिखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। ओम। विकास जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम विकास भैया। प्रणाम गुरु जी, विकास बोल रहा हूँ जी। गुरु जी, एक सवाल था मेरा, पूछना चाह रहा था। अब नहीं पूछना चाह रहे? पूछना चाह रहा हूँ सर जी, बताइए सर। अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए अनएक्सपेक्टेडली, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई अचानक, और अपनी जॉब से भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखा हूँ, कुछ बताइए गुरु जी। ठीक है, बस मुझे दो चीजें बताइए, आपका शरीर पतला है जी जी, और आपके कलाई के आसपास बाल हैं काफी हैं जी जी जी। ठीक, उपाय कीजिए, दो उपाय कीजिए, जिंदगी एकदम पटरी पे आ जाएगी, कोई चिंता मत कीजिए। एक तो आप अश्वगंधा का पाउडर सोते समय दूध से ले लिया कीजिए, आधा चम्मच पाउडर, बड़ा कड़वा होता है, मुझे रोज याद करोगे इस बहाने से, तो अश्वगंधा का पाउडर सोते समय दूध से आप ले लिया कीजिए। और दूसरा उपाय आपको करना है, एक मोती 8 से 10 रत्ती का मोती, वो चांदी की अंगूठी में आप अपनी रिंग फिंगर में सोमवार को पहन लेना, ठीक है, उसके बाद लग जाओ बच्चे मेहनत पर, ठीक हो जाएगी जिंदगी, कोई चिंता की बात नहीं है, वर्तमान कुछ भी हो भविष्य मजबूत है। और अब गुरु मंत्र, यदि हम अपने शरीर की प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते, यदि हम अपने मन के विरुद्ध भोजन करते हैं तो
तो भी हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। यानी मन नहीं हो रहा है तब भी हम खा रहे हैं, और मन हो रहा है तब भी हम नहीं खा रहे हैं। ये वाला मन, ये नहीं कि फालतू की चीज़ों का मन हो रहा हम नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे इसलिए मम्मी खिलाओ, ये मतलब है। यदि हम अपने देश काल के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। अमेरिका का खाना अमेरिका में सूट करता है, भारत में भारत की क्लाइमेट के हिसाब से खाना पड़ेगा। यदि हम अपने नक्षत्र के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम अपनी बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। और जो भोजन नक्षत्र के विरुद्ध है वह भोजन दुर्भाग्य को प्रमोट करता है, दुर्भाग्य लाएगा ही लाएगा। इसलिए जो मैंने अभी चीज़ें बताई थी गुरु ज्ञान में, अब उसी के हिसाब से अपने भोजन को संतुलित करें। एक खास चीज मैं कहना चाहता हूं, यदि हम अपनी मुख्य ग्रह की प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारी भी और भाग्य की समस्याओं को आने से नहीं रोक सकते। अब कल के एजेंडा पर बात करते हैं। दो दिव्य फल हैं, उनका जिक्र शास्त्रों में है, पुराणों में भी है, वह मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि उनके सेवन से सर, पेट, दिल, फेफड़े सब ठीक रहेंगे। तो कल उनकी बात जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके और आपके परिवार की ये चीज बड़ी काम आएगी। फिलहाल इजाजत ले लो, जाऊं बहुत सारे काम करने हैं, आपको भी करने हैं, इसलिए जोश के साथ काम कीजिए, खुश रहिए। राम राम, नमस्कार।